का कर्मचारियों की मांगे बार बार उठाई जाती है और दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार विराट प्रदर्शन भी हो चुके हैं, मगर अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। हाँ, नए साल में अभी हम लोग दिल्ली आए हैं और दिल्ली आकर हम लोग अपने वही मांगे लेकर आए हैं, जिन मांगों को लेकर विगत 17 वर्षों से हम लोग संघर्षरत हैं। दुनिया की सबसे पारदर्शी योजना मनरेगा, सबसे जवाबदेही वाला योजना मनरेगा, जिसका कार्यान्वयन पूरा मनरेगा कर्मचारी करते हैं, जिसमें सारे पद के कर्मी सम्मिलित हैं, सारे संवर्ग हैं, मिलकर कर रहे हैं और 17 वर्षों में गांव के कल्याण के लिए कोरोना जैसे त्रासदी में भी डटकर देश को बचाने का काम किए, देशवासियों को चूल्हा बुझने नहीं दिए हम लोग, और फिर भी आज जिस तरह की मनरेगा के कर्मचारियों की बात करें, वो दर दर की ठोकरें आज भी खा रहे, सैलरी की बात हो या अन्य सुविधा की बात हो, और आप काफ़ी सालों से दिल्ली के जंतर मंतर पर विराट, यही अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में लोग मंदिर मस्जिद को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन इंसान को भरपेट भोजन के लिए व्यवस्था हो, जो कर्मचारी वर्षों से काम कर रहा है स्वतंत्र देश में, सारी गुलामी की निशानियां मिटाने चल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज भी संविदा पर मनरेगा कर्मी गुलामी के जीवन जी रहे हैं, उन्हें उनका हक वेतनमान और सेवा जो है परमानेंट करना सरकार का जो है हम लोगों का मुख्य मांग है, और उन मांगों सहित अन्य 8 मांग लेकर हम लोग फिर सरकार के पास आए हैं, प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को, सचिव महोदय को, इन सभी लोगों को जो जवाबदेह हैं मनरेगा के कार्यान्वयन में, इन सभी लोगों को हमने सूचना दिया है कि हमारी मांगों को कई वर्षों से टरकाया जा रहा है, उस पर कोई विचार नहीं की जा रही है, मनरेगा में कोई भी सुविधा आप नहीं दे रहे हैं, ना कोई तरह के उसमें कर्मियों के लिए कोई व्यवस्था दे रहे हैं। अभी आप एक ज्ञापन दे पाए प्रधानमंत्री कृषि भवन में, क्या लग रहा सरकार सुनेगी या फिर इसके बाद फिर कोई ऐसा मैसेज मनरेगा कर्मचारियों के लिए जो एकजुट हो अपनी मांगों को लेकर? हाँ, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अपनी मांगों को बहुत ही शालीनता और विनम्रता से रखा है, यदि फिर भी सरकार 15 दिनों में हमारी मांगें नहीं सुनती है, पूरा करती है, तो पूरे देश के तमाम मनरेगा कर्मी दिल्ली जंतर मंतर पर मनरेगा दिवस 2 फरवरी 2024 को दल बल के साथ अपनी मजबूत चट्टानी एकता का प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली जंतर मंतर को भरने का काम करेंगे। 2024 में चुनाव है जी, 2024 में चुनाव है, ऐसे तो हम लोग कर्मचारी चुनाव रहने पर ही नहीं, लगातार हर वर्ष प्रयास कर रहे हैं और लगातार हर महीना प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार के जो रवैया है वो खेदपूर्ण है, वो संवेदनहीनता के प्रकाष्ठा है, केवल कार्रवाई किया जाता है मनरेगा कर्मियों पर, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, न वेतनमान न परमानेंट कर रही है, इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं जी। जो मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय मनरेगा महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव आज दिल्ली के जंतर मंतर है, उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि भवन में एक ज्ञापन सौंपा और उसमें 15 दिन का टाइम दिया, अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती, अगर मांग पूरी नहीं होती तो 2 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विराट प्रदर्शन होगा, जिसमें लाखों की संख्या में मनरेगा कर्मचारी पहुंचेंगे अपनी मांगों को लेकर। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देगी या नहीं। हर खबर से आजाद।